नमस्कार, मैं पूजा झा, स्वागत है आपका लाइव खबर में। चलिए एक नजर डालते हैं यूपी की कुछ बड़ी खबरों पर। एटा में उस वक्त पुलिस को सफलता मिली जब वाहन चोर गिरोह उसके हत्थे चढ़ा। पुलिस ने इस मुठभेड़ में चार लोगों को दबोचा, जिसमें एक पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया। पकड़े गए बदमाशों के पास से तमंचे समेत चोरी की बाइकें बरामद की गई। वहीं पुलिस कप्तान ने बताया कि पकड़े गए बदमाश आसपास के जिलों से चोरी कर दूसरी जगह गैंग को माल सप्लाई करते थे, जिसमें कुछ गिरोह के लोग पहले भी चोरी के आरोप में जेल जा चुके हैं। वहीं पुलिस कप्तान ने पुलिस को इस कार्य के लिए 20,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। थाना बागवाला पुलिस द्वारा एक ऑटो लिफ्टर गैंग वर्कआउट किया गया है। इस गैंग में 5 मेंबर थे, जिसमें 4 मेंबर गिरफ्तार किया गया, एक फरार है, और इनसे 10 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद करी गई, 2 तमंचे और कारतूस बरामद हुए। इन्होंने थाना बागवाला, चैतरा, अलीगंज और आसपास के जनपदों में भी बताया है कि ये मोटरसाइकिल चोरी करते थे। इन मोटरसाइकिलों के इंजन नंबर 36 नंबर से उन मोटरसाइकिलों का पता लगाया जा रहा है जो इनके ओनर है, और इसमें कार्रवाई करी जा रही है। मेरे द्वारा इस पुलिस टीम को 20,000 रुपए के इनाम की घोषणा करी। मेरठ पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब उसने 3 शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया और उनके पास से 2 बाइकों समेत नकदी भी बरामद की गई। ये घटना उस वक्त घटी जब वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 3 युवकों को रुकने का इशारा किया, तो बदमाशों ने अचानक पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। बताया गया है कि पकड़े गए बदमाशों पर 40 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं SSP मेरठ ने इन पुलिस टीम की इस सफलता के लिए उन्हें 10,000 रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की है। देखिए, भावनपुर पुलिस ने 3 लुटेरे पकड़े हैं, जिनमें से एक दिलशाद और चुआ, जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, लगभग 30 मुकदमे हैं इस पर लूट के, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है 2012 से लेकर और 18 के बीच में ये सब मुकदमे हैं। इसके अलावा बाकी 2 अभियुक्तगणों की, इनकी भी क्रिमिनल हिस्ट्री है। पिछली 5 तारीख को, 14 तारीख को, 15 तारीख को और 19 तारीख को भावनपुर क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर इन लोगों ने लूट की। 5 तारीख को कलेक्शन एजेंट से लगभग 1,40,000 रुपये, 15 तारीख को हाइडिल के अकाउंटेंट से 41,000 रुपये, इसी तरह एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल की लूट इन बदमाशों द्वारा की गई थी। मेरठ में थाना लिसाड़ी गेट के क्षेत्र में खुलेआम गुंडागर्दी करने की एक तस्वीर सामने आई है। पड़ोसी के साथ हो रही मारपीट का विरोध करना इस कदर भारी पड़ गया कि दबंगों ने उसके घर में घुसकर जमकर मारपीट की। वारदात की तस्वीरें लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। दरअसल मामला 19 तारीख का है, जहां कुछ लोग एक दंपत्ति की पिटाई कर रहे थे। इसे देखकर पड़ोसी ने उसका विरोध किया, तो दबंगों ने उल्टा उसी के घर पर धावा बोल दिया। पुलिस ने मामले को लेकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिर हम बीच बिचाव करने गए तो कह रहे ना, साले अभी तुझे बताता हूँ मेरे आदमी को, मैं पहले तुझे ही मारेंगे। और फिर इतने सारे जनों ने आकर, 20-25 जनों ने आकर मेरे आदमी पर हमला करा। हम अपना घर में आ गए, फिर भी हमारा घर में घुस घुस के मारा हमें। फतेहपुर में एक शादीशुदा व्यक्ति को दूसरी शादी रचाने की नीयत उस वक्त महंगी पड़ गई जब वह सलाखों के पीछे पहुंच गया। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 2012 में मंगल पटेल के साथ खकरेडू थाना क्षेत्र के पोले गांव में हुई थी। महिला का पति नौकरी की खातिर विदेश जाने के बाद उसका ससुर से प्रताड़ित करने लगा, जिससे आहत होकर महिला वापस मायके आकर रहने लगी। पति मंगल पटेल वापस लौटा तो वह दूसरी शादी रचाने जा रहा था। महिला को इसकी भनक लगते ही वह अपने 2 मासूमों के साथ SP से न्याय की गुहार लगाने पहुँच गयी। मेरी 2012 में शादी हुई थी, उसके साथ मैं 2017 तक हमने ससुराल में रहे। उसके बाद मेरे पति बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद मेरी सास नंद जो है मुझसे लड़ रही थी। लड़ने के बाद मैंने अपने पति से बताया, मेरे पति बोल रहे थे तुम मायके चली जाओ, मायके में मैं तुम्हें खर्चा भेजूंगी। मेरे पति वहाँ मेरे को खर्चा नहीं भेजा, उसके 18 में आए, उसके बाद मेरे को बोल रहे मैं तुझे रखूँगी नहीं, बुलाए मैं, वो आए नहीं। आने के बाद वो मेरे पास ना फ़ोन किया, जो सिम थी वो भी बंद कर दिया। उसके बंद करने के बाद मेरे पति दूसरी शादी कर रहे हैं। उसके बाद मुझे उसके तेल वाले दिन पता चला, तब मैंने यहाँ SP के यहाँ अपना न्याय मांगने के लिए अदालत में आई हूँ। मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरठ के सदर थाना क्षेत्र के भैसोली बस अड्डे पर रोडवेज बस कंडक्टर को एक दबंग व्यक्ति ने लूटने का प्रयास किया। जब बस कंडक्टर ने इसका विरोध किया तो उसने कंडक्टर की जमकर पिटाई कर दी, जिसका बस से बाहर खड़े व्यक्तियों ने वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
घटना की जानकारी एसएसपी को होते ही उन्होंने मामले की जांच के आदेश देते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। ये अभी अभी हमारे भी संज्ञान में आया है और लिसाड़ी गेट का और एक दूसरा वहाँ का है रोडवेज का, तो इन दोनों के लिए मैंने जांच संबंधित सीओ को दी है। वीडियो देख लें, जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनसे बात कर लें जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, और जो भी उसमें उचित धाराओं में मुकदमा कायम कराना है या उनके विरुद्ध कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यूपी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए लाइव खबर।